मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक खून से लथपथ रूम में एक कपल को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम सारा है और लड़के का नाम जेम्स है। सारा को हम एक जगह लेटा हुआ देखते हैं और सारा के दोनों हाथों में किलो को ठोका हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से। फिर दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जिसको सीलिंग से लटका रखा है। हम रूम में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून देखते हैं। उस रूम में बहुत से औजार रखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हीं औजारों से उन दोनों पर टॉर्चर किया गया हो, क्योंकि उन औजारों पर खून भी लगा हुआ था। फिर हम सारा को देखते हैं जो कि अपने आप को उस जगह से आजाद करने की कोशिश कर रही थी और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर वो जेम्स को ढूंढने लगती है। यहाँ अब हमें जेम्स की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक और आदमी खड़ा है और वो आदमी काफी अजीब है, उसका चेहरा काफी भयानक है। फिर हम देखते हैं वही आदमी जेम्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। फिर उसे पता चलता है कि सारा भाग रही है यहाँ से, इसलिए वो जेम्स को तुरंत मार कर सारा को ढूंढने निकल जाता है। वो अपने साथ एक खतरनाक औजार भी ले लेता है। फिर अब हम सारा को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रही है अपनी जान बचाकर, बट उसके पीछे जो वही खतरनाक इंसान पड़ा हुआ है। फिर सारा भागते भागते एक जगह पहुंचती है जहां के आगे अब रास्ता नहीं था, और अब सारा के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने आप को उस खतरनाक इंसान को सौंप दे या उस चट्टान से नीचे कूद जाए। सारा सेकेंड ऑप्शन चूज करती है, उसे उस इंसान के द्वारा टॉर्चर सहने से ज्यादा सरल मरना लगा, इसलिए वो वहां से कूद कर जान दे देती है। अब यहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम एक नए कपल को देखते हैं जिनका नाम शेरिल और माइक है। ये दोनों ही अपनी छुट्टी एंजॉय करने यहां आए हैं। ये दोनों इस जंगल के सिक्योरिटी ऑफिसर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रूट पता करके अपने सफर पर निकल जाते हैं। पर इससे पहले इन्हें वही एक लेडी मिलती है और वो इन्हें एक अलग ही रास्ता बताती है, टिम्बर फॉल्स का रास्ता। कहती है कि ये तुम्हें टिम्बर फॉल्स वाले रास्ते से जाना चाहिए, नेचर ब्यूटी देखते हुए वहां पे इतना ज्यादा सोल्जर्स भी नहीं होंगे जो कि तुम्हें परेशान कर सके। फिर ये दोनों इसी टिम्बर फॉल्स वाले रास्ते पर निकल जाते हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेसी चाहिए थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। फिर वो दोनों उस रास्ते पर निकल जाते हैं। अब वो दोनों नेचर का मजा लेते हुए चल रहे होते हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, बट उन्हें कुछ वहीं के बदमाश लड़के देख रहे थे। वो उन दोनों को छेड़ने लगते हैं, जिसपे माइक को बहुत गुस्सा आता है। माइक के पास एक गन भी है, उसका मन है वो उन सभी को शूट कर दे, बट शेरिल उसे समझाती है और माहौल को नरम बनाती है, बट वो लोकल बदमाश उनको आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर फाइनली पैसे ले दे के ये मामला रफा दफा हुआ। अब शेरिल और माइक आगे का सफर जारी करते हैं, बट शेरिल माइक को गन फेंकने को कहती है क्योंकि उसे खून खराबे से बहुत डर लगता है। वो नहीं चाहती कि गुस्से में माइक किसी पे गन चला दे। फिर ना चाहते हुए भी माइक को वो गन फेंक देनी पड़ती है। माइक और शेरिल अब थोड़ी दूर पहुंचते हैं और उन्हें एक आदमी मिलता है और वो इन दोनों को एक लेक का सजेशन देता है कि तुम दोनों को आज की रात उसी लेक के पास गुजारनी चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छा व्यू है और नेचर लवर्स के लिए उससे अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती। फिर माइक और शेरिल उस आदमी की बात मान के वहीं जाने का डिसीजन करते हैं। जब वो दोनों उस लेक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वैसा ही व्यू मिलता है जैसा उस आदमी ने बताया था, मतलब उनका यहाँ तक आना अच्छा ही साबित हुआ। शेरिल कहती है इसलिए हमें उन लोगों की बात माननी चाहिए जो यहीं रहते हैं। फिर आज रात शेरिल और माइक इसी लेक के पास अपना टेंट लगाते हैं। रात के टाइम जब ये दोनों एक साथ टेंट में मौज मस्ती कर रहे थे तो कोई बाहर से इन पर नजर रखे हुए था, बट ये दोनों इस बात से अनजान थे। सुबह होने पर शेरिल उसी लेक में नहाने चली जाती है जबकि माइक अभी टेंट में सो रहा था। फिर तभी हम देखते कि एक आदमी शेरिल को पकड़ लेता है। शेरिल के चिल्लाने की आवाज सुनकर माइक जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है, शेरिल भी गायब है। फिर माइक शेरिल को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे वही लोकल बदमाश मिलते हैं, तो उसे लगता है कि शायद इन्हीं ने शेरिल को पकड़ा होगा और इसी कारण उन बदमाशों से उसकी झड़प हो जाती है। बट उन लोगों को शेरिल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए माइक फिर जंगल में आगे चलता है और शेरिल को ढूंढने लगता है। बट इसी दौरान उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। उसे बहुत पेन हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसे एक लेडी अपने पास आती दिखती है और वो कोई और नहीं बल्कि शुरुआत में टिम्बर फॉल्स वाला रास्ता इन्हें सजेस्ट करने वाली लेडी थी, लेडी आइडा। वो माइक को जख्मी हालत में देखकर अपने घर ले
जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर जब थोड़ी देर बाद माइक को होश आता है तो वो तुरंत शेरिल को ढूंढने के लिए कहता है। वो पूछते है कि क्या आपके पास फोन है तो बताओ, ताकि मैं पुलिस या आर्मी से हेल्प मांग सकूं। जिस पर वो लेडी आइडा मना करती है और कहती है कि एक रेडियो है बट वो काम नहीं करता। बट माइक यहाँ इस लेडी आइडा से बात करने पर एक चीज नोटिस करता है कि वो लेडी इसे बार बार माइकल कह रही है, जबकि ये नाम तो केवल उसके आईडी कार्ड्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे ही है। इसका मतलब उस लेडी ने माइक का सामान भी चुराया है। इस कारण माइक उस लेडी आइडा से गुस्से से बात करता है और लगातार पूछे जाने की वजह से तंग आके वो माइक को बताती है कि हाँ, वो सारा सामान तुम्हारा मैंने ही चुराया है, मैं तुम दोनों को पिछली रात से फॉलो कर रही हूँ। फिर माइक इतना सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस लेडी से पूछता है कि बताओ, तुमने शेरिल को कहाँ छुपाया हुआ है और तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है। ये सब तो आइडा नहीं बताती, बट वो इतना जरूर कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम दोनों को टिम्बर फॉल्स वाला रास्ता सजेस्ट किया था। ये सब सुनकर माइक समझ जाता है कि ये लेडी तो मेरी अब कोई मदद नहीं करेगी, इसलिए वो खुद ही इधर उधर छानबीन करने लगता है। आइडा उसे रोकने की अलग अलग कोशिशें करती है बट माइक उसे मार कर बेहोश कर देता है। इसी दौरान माइक को एक हिडन डोर मिलता है जो नीचे की तरफ जा रहा था। धीरे धीरे उस रूम में आगे बढ़ने पर बहुत सारी माइक को कैंडल्स जली मिलती हैं और तभी माइक को वहाँ शेरिल भी बंधी हुई मिलती है। माइक शेरिल को खोलता है और तभी वहाँ एक भद्दा आदमी आ जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल ये भद्दा आदमी उस लेडी आइडा का भाई है, इसका नाम क्लाइड है। वो जैसे ही आता है माइक उससे फाइट करता है ताकि उस टाइम के दौरान शेरिल भाग सके, बट क्लाइड बिना चोट लगने के डर से खूब तेजी से लड़ता है और माइक को मार कर बेहोश कर देता है और खुद शेरिल के पीछे जंगल में भागता है। शेरिल बिना रुके भागे ही जा रही थी उस भद्दे इंसान से बचते हुए और तभी उसे एक गाड़ी आती दिखती है। उसमें वही शख्स था जिसने थोड़ी टाइम पहले माइक और शेरिल को एक लेक के पास नाइट स्पेंड करने के लिए सजेशन दिया था, तो शेरिल उससे तुरंत हेल्प मांगती है बट वो आदमी तो उसे मार कर नीचे गिरा देता है। दरअसल ये आदमी उस लेडी आइडा का हस्बैंड है और ये तीनों मिले हुए हैं। फिर वो भद्दा आदमी क्लाइड शेरिल को लेकर वापस आ जाता है और यहाँ कहानी समझ में आती है। दरअसल ये फैमिली बहुत अजीब है। इस फैमिली के हिसाब से जो लोग शादी से पहले इंटीमेट होते हैं ये बहुत गलत होता है, इसलिए वो लेडी आइडा शेरिल और माइक के रजामंदी के बिना ही शादी करा देती है और अब इनका मेन काम स्टार्ट होगा। लेडी आइडा जो कि अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और पहले वो जब भी प्रेग्नेंट होती थी तो उसका मिसकैरेज हो जाता था, इसलिए वो अब भी बच्चा चाहती है। उसकी पूरी आस है अब भी, लेकिन उसे बच्चा उसी प्रोसेस से चाहिए जो नॉर्मली होता है कि मेल फीमेल के इंटीमेट होने से। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे और भी बहुत से तरीके बताए लेकिन उसकी नजर में वो सब गलत तरीके हैं, वो धर्म के विरुद्ध हैं। इसलिए ये लेडी आइडा और उसका पति और उसका भाई ये तीनों मिलकर कपल्स को किडनैप करते हैं और उनकी फोर्सफुली शादी करवाते हैं ताकि वो उन्हें बच्चा दे पाए। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था, एक कपल को बेरहमी से आइडा के भाई ने मौत के घाट उतारा था। जो लोग इनकी बात नहीं मानते उन्हें ये लोग मार डालते हैं, वो भी बेरहमी से। अब लेडी आइडा माइक को शेरिल के साथ टाइम गुजारने को कहती है ताकि माइक शेरिल को प्रेग्नेंट कर सके, बट माइक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही शेरिल। ऐसा कौन चाहेगा कि कोई जबरदस्ती उनसे बच्चा करवाए, जिसकी वजह से वो भयानक आदमी क्लाइड माइक को नंगा करके बहुत मारता है और टॉर्चर करता है। वो माइक के घाव पर शराब भी डालता है जिससे माइक को बहुत जलन हो रही होती है, वो तड़प रहा होता है। उधर शेरिल को भी बेरहमी से बांध कर लिटा रखा था। उस भद्दे आदमी को देख कर लग रहा था कि मानो उसकी गंदी नजर शेरिल पर हो, लेकिन वो अपनी बहन की वजह से शेरिल के साथ कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसकी बहन बताती है कि मेरे भाई के साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, एक कार एक्सीडेंट में उसका पूरा फेस खराब हो गया और उसकी आवाज भी चली गई, उसे कभी किसी प्रकार का कोई सुख मिला ही नहीं। फिर अगले दिन लेडी आइडा शेरिल से बात करती है कि वो राजी हो जाए, पर शेरिल के राजी ना होने पर आइडा उसकी उंगली काट देती है जिससे शेरिल को बहुत तकलीफ हो रही होती है। फिर अगले दिन माइक को दोबारा शेरिल के पास भेजते हैं। इतना टॉर्चर सहकर शेरिल भी माइक को कहती है कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, बट माइक मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पर ये हमें जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी वो मुझे मार देंगे और जैसे ही तुम इनको एक बेबी दे दोगी वो तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए हमें कुछ भी करके कुछ और दिन ये टॉर्चर सहन करना होगा और इसी दौरान हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। बट यहाँ तक इन्हें ढूंढने आएगा कौन? और अगर कोई यहाँ आ भी गया तो ये लोग
उसे भी मार देंगे। यहाँ से अगर हम भागने की सोचें तो भी यहाँ पर केवल जाने का एक ही गेट है और ये कमरा जमीन से 20 फीट नीचे है, तो हमारी आवाज ऊपर तक कोई भी सुन नहीं पाएगा। और इसी तरह कुछ दिन गुजरते जा रहे थे। माइक और शेरिल को मार खा खा कर इन दोनों में अब बिल्कुल भी जान नहीं रह गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिल की मॉम को, जिन्होंने उस जंगल के आर्मी रेंजर्स के पास कॉल करके शेरिल के बारे में पूछा था, अब उन आर्मी रेंजर्स को भी टेंशन होती है क्योंकि इनके इलाके में बहुत से लोग मिसिंग होते जा रहे थे पिछले कुछ दिनों से, इसलिए वो इस केस को सॉल्व करने के लिए जुट जाते हैं। वो आर्मी ऑफिसर्स उन लोकल गुंडों से भी हेल्प मांगते हैं और बदले में इनाम देने का वादा करते हैं। तो उन लोकल गुंडों में से एक को क्लाइड पे शंका होती है क्योंकि कुछ दिन पहले क्लाइड ने उस गुंडे से माइक के बारे में पूछा था क्योंकि माइक ने उसके भाई को मारा था, बट तब क्लाइड ने कहा था कि वो लोग तो चले गए, इसलिए वो गुंडा अपना एक साथी लेकर उसके घर जाने का डिसाइड करता है। उधर हम देखते हैं कि लेडी आइडा को, जो इन दोनों को बार बार चाह रही है कि वो मान जाए, इसलिए वो अलग अलग तरीकों से उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, बट जब अब तक माइक नहीं माना तो वो अब क्या मानेगा। उसे उकसाने के लिए वो लोग माइक को गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, बट माइक नहीं आता इनके झांसे में। बट तब वो लोग माइक को कहते हैं कि तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम शेरिल की बॉडी को काटेंगे। इस बात से माइक थोड़ा डर जाता है क्योंकि माइक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि शेरिल को कोई भी नुकसान पहुंचे, इसलिए वो मानने को तैयार हो जाता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है सबके सामने, और ये बात लेडी आइडा के लिए तो बहुत बुरी साबित होगी। और बात ये है कि शेरिल पहले से ही प्रेग्नेंट है, ये प्रेगनेंसी इस ट्रिप पे आने से पहले की है। शेरिल माइक को ये गुड न्यूज अच्छे टाइम पे देना चाहती थी बट वो दे नहीं पाई और उसे ये बात ऐसी सिचुएशन में बतानी पड़ रही है। ये सुन के लेडी आइडा तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है क्योंकि ये बच्चा तो फिर शादी से पहले का है और ये उनकी नजर में बहुत बड़ा पाप है। तभी वो गुंडा अपने साथी के साथ इनके घर में घुसता है और इससे आवाज होने पर लेडी आइडा और उसका पति अलर्ट हो जाते हैं और वो ऊपर घर में चेक करने जाते हैं, बट जाते टाइम लेडी आइडा के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है जिसे माइक उठा लेता है। उधर वो गुंडा जैसे ही अंदर आता है लेडी आइडा उसे शूट कर देती है, बट उस गुंडे के दोस्त को वो हिडन गेट दिख जाता है। वो जैसे ही गेट ओपन करता है माइक हेल्प के लिए चिल्लाता है। इससे पहले वो गुंडे का दोस्त कुछ करता लेडी आइडा का पति उसे कुल्हाड़ी से मार डालता है, फिर उन दोनों गुंडों की डेड बॉडी वही घर में ही दफना देता है। अब हम देखते हैं कि लेडी आइडा इस बात से बहुत दुखी है। वो ये चाहती है कि हम ये बच्चा अबॉर्ट करवा देते हैं और इसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी तक का वेट करते हैं, बट उसके पति के हिसाब से ये गलत डिसीजन है क्योंकि इन सब में बहुत टाइम लगने वाला है और इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि माइक और शेरिल को बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, तो अभी इन दोनों को मारना ठीक रहेगा। जब इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा तब किसी और कपल को पकड़ेंगे इस काम के लिए, तो लेडी आइडा भी मान जाती है। जब लेडी आइडा का पति उनको मारने बेसमेंट में जाता है तो माइक उसके गले पे मार देता है और उसे उसी के गन से शूट करके मार डालता है। फिर जब लेडी आइडा रूम में आती है तो उसे अपने पति की डेड बॉडी मिलती है, फिर तभी माइक उस पे भी हमला करता है, बट वो भी पूरी जान से लड़ रही थी। वो माइक को चाकू से इंजर्ड करती है, पर तभी शेरिल कुल्हाड़ी से मार कर उसे बेहोश कर देती है। शेरिल देखती है कि माइक काफी इंजर्ड है तो वो घर में जाकर आइडा का वॉकी टॉकी ढूंढ कर उस पे बात करना चाहती थी, बट सिग्नल नहीं आ रहा था। और तभी डीकिन वहाँ आ जाता है, वो शेरिल का गला दबाने लगता है, बट शेरिल भी उसे इंजर्ड करके बाहर भागती है और उसे बाहर दारू की बोतल और लाइटर मिलता है। वो आग लगा के बोतल में डीकिन की तरफ फेंकती है जिससे डीकिन जलकर मर जाता है। फिर वो माइक को लेने अंदर जाती है, पर तभी लेडी आइडा बेहोशी से उठकर माइक के पेट में रॉड घुसा देती है। फिर शेरिल भी आइडा का सर धड़ से अलग कर देती है। अब माइक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी इसलिए शेरिल घर में कुछ ढूंढने लगती है जो कि उनके काम आ सके, और इसी दौरान उसे अपना फोन मिलता है जो लेडी आइडा ने उनके टेंट से चुराया था और इत्तेफाक से उसमें सिग्नल भी आ रहे थे। फिर शेरिल इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है ताकि वो माइक को बचा सके। फिर सीन कट होता है और हम एक साल बाद देखते हैं शेरिल को जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रही है, और वहीं पे हम माइक को भी देखते हैं। इसका मतलब माइक की जान बच गई थी, अब ये लोग हैप्पी फैमिली वाली लाइफ बिता रहे हैं। पर तभी हम लेडी आइडा के बदसूरत भाई का वही ब्लेड देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लेडी आइडा का वो भाई उस दौरान बच गया होगा और वो अब रिवेंज लेने आएगा। डायरेक्टर ने ये लास्ट में इसलिए दिखाया होगा ताकि जब वो नेक्स्ट पार्ट बनाएगा तो यहीं से स्टार्ट करेगा। बाय द वे अभी
अभी तो इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आया। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।